नमस्कार दोस्तों, सोते समय सपने देखना आम बात है, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपने व्यक्ति को भविष्य में होने वाले शुभ व अशुभ संकेत देता है। जी हाँ दोस्तों, अब जैसा कि देश भर में नवरात्रि के पावन पर्व की धूम चल रही है, 2 अप्रैल यानी कि आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं। भक्त देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। ऐसे में इन पावन दिनों में माँ का सपनों में आना एक खास महत्व रखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर नवरात्रि के दौरान सपने में किसी देवी के दर्शन हो तो ये बेहद शुभ होता है, लेकिन इस दौरान माँ दुर्गा की मुद्रा कैसी है इस पर पूरा परिणाम निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान सपने में देवियों के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होने का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान सपने में माँ दुर्गा को देखना शुभ सपना माना जाता है, लेकिन इस दौरान माँ दुर्गा की मुद्रा कैसी है इस पर पूरा परिणाम निर्भर करता है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप सपने में दुर्गा माँ को लाल रंग के वस्त्र में मुस्कुराते हुए मुद्रा में देखते हैं तो इसे अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन मुख्य रूप से आपकी शादी, संतान, नौकरी या व्यवसाय से जुड़े हो सकते हैं। ये स्वप्न आगे आने वाले समय में सफलता, दुश्मन का सबसे भयभीत होना सहित जल्दी किसी बीमारी से आपके ठीक होने का संकेत भी माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर आपको सपने में माँ दुर्गा शेर पर सवार दिखें तो ये सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि जल्दी आपका बुरा समय दूर होने वाला है और आपके अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। वहीं नवरात्रि के दौरान अगर आपको ये स्वप्न आ जाए तो समझ जाइए कि माँ दुर्गा आपसे बेहद प्रसन्न है और उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। तो वहीं अगर आप माँ दुर्गा के शेर को क्रोधित मुद्रा में और दहाड़ते हुए देखते हैं तो ये आने वाली समस्याओं का संकेत करता है, इसीलिए पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान यदि आपने सपने में माँ दुर्गा को क्रोधित मुद्रा में देखा है तो ये स्वप्न शुभ नहीं माना जाता है। इसका अर्थ माना जाता है कि आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य या गलती कर रहे हैं जिससे देवी दुर्गा आपसे नाराज हैं। ऐसा सपना दिखाई देने पर आपको अपने व्यवहार व कार्य पर ध्यान देना चाहिए और देवी माँ से जाने अनजाने में हुई गलती की क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सपने में माँ दुर्गा को काले या सफेद वस्त्रों में देखना या उन्हें दुखी और रोते हुए देखना अच्छा नहीं माना गया है। ये सपना आने वाले समय में कुछ बड़ा होने का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त सपने में माँ दुर्गा की मूर्ति देखना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भविष्य में होने वाले लाभ व कारोबार में उन्नति का संकेत देता है। ये सपना इस बात की ओर भी संकेत करता है कि आपके जीवन में जल्द ही सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। आखिर में आपको बता दें कि सपने में स्वयं को माँ दुर्गा की पूजा करते हुए देखना अत्यंत ही शुभ माना गया है। ये आपको शुभ समाचार मिलने का संकेत होने के साथ ही आपके सभी कष्ट दूर होने व आपके जीवन में खुशहाली आने का संकेत भी माना गया है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।